कि जिस समय यूपीएससी में गड़बड़ी हो रही थी, जिस समय नीट परीक्षा में गड़बड़ी हो रही थी, जिस समय लेटरल एंट्री के माध्यम से आपके बच्चों की सीटें चोरी हो रही थी, उस समय हम क्या करें? बगल में संविधान दबा हुआ है और मंच पर शपथ ली जा रही है, ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ली, फिर भी बुद्धि पर पत्थर पड़ा है क्या? सवर्णों के कितने भी संगठन बने रहे, लेकिन जब उनको किसी गाँव में ओबीसी एससी को दबाना होता है तो एक नौकरी मांगोगे तो लाठियां मिलेंगी, मंदिर मांगोगे घंटा मांगोगे तो फूल बरसाएगा। अभी तो परिंदे संभाल करना, फिर हम सब मिलकर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा क्रूर है सत्ता वालों को देख, मगर हम सबको ये देख के दरिया को पार। संसद में पहुंच गए वो आवाज नहीं उठा रहे, तो जितना उनकी तरफ आवाज उठाते हैं उतना ही उन्हीं अपनी तरफ भी करो, और अपने से पूछो कि जिस समय यूपीएससी में गड़बड़ी हो रही थी, जिस समय नीट परीक्षा में गड़बड़ी हो रही थी, जिस समय लेटरल एंट्री के माध्यम से आपके बच्चों की सीटें चोरी हो रही थी, उस समय हम क्या कर रहे थे, हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्यों? बुद्धिजीवियों की परिभाषा क्या हो रही है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामाजिक न्याय ढूंढेंगे लेकिन अपनी जाति के नेता में ही ढूंढेंगे। तमाम बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि हम तब बोलेंगे जब हमारे नेता ने कुछ बोला होगा, हमारी जाति के नेता ने, हम उसको डिफेंड करने के लिए बोलेंगे। गलत किया होगा तो डिफेंड करेंगे, और 10 साल पहले कोई एक लाइन बोलती होगी तो बताएंगे देखो सामाजिक न्याय का मसीहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस विपक्ष की तारीफ के काबिल है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी तारीफ करने से ज्यादा आलोचना करने की, क्योंकि अगर जरा भी ढील छोड़ दी हमने तो यकीन मानिए जो संविधान के दम पर, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण बचाओ के दम पर संसद में पहुंचे हैं मजबूत स्थिति के साथ, वही लोग मुंबई में जाकर के सिद्धि विनायक मंदिर और तमाम मंदिर टहल, जो लोग देखिए हैरत की बात देखिए, बड़े गर्व के साथ बताते हैं, बड़े गर्व के साथ कि अयोध्या जीत गए, बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि पति राज जीत गए, फिर भी बुद्धि पर पत्थर पड़ा है क्या? जब वो पूरा प्रोपेगेंडा करके अयोध्या नहीं जीत पाए तो ये ड्रामा बाजी करके क्या जीत पाए? सिर्फ इतना सा मूल अंतर समझ लीजिए, आज जो जनता के बीच में आज जो कंफ्यूजन क्रिएट है, वो कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट है कि हम उथला उथला सामाजिक न्याय, एक बगल में संविधान दबा हुआ है और मंच पर शपथ ली जा रही है ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता, कैसे काम बनेगा? मुंबई गए, किसी ने मुझे फोन करके कहा कि भाई आप लोगों की बातों का असर आ रहा है, देखिए चैत की भूमि में है, तो हमने कहा असर तो आ रहा है, चर्चा किसकी ज्यादा है, चैत की भूमि की ज्यादा है या विपक्ष सांसद वहां दल नवाने गए वहां ज्यादा है? जब जिस पार्टी का मैं बार बार बात कहता हूँ, हालांकि चुनाव में ये हुआ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप लोग जब तक अपनी पिच पर सॉलिड अपनी पिच पर नहीं खेलेंगे, इस बार आपने अपनी पिच तैयार की रिकॉर्ड कर और काफी हद तक आप अपनी पिच पर बहुत खेले, तो देखिए शानदार आपने चौके छक्के लगाए, लेकिन आप करते क्या हो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन के चक्कर में जैसे ही उनकी पिच पर जाते हो इतनी शानदार बैटिंग होती है कि आप मैदान से आउट हो जाते हो। हिंदुत्व के मामले में आप समझिएगा कि पिछली बार आजमगढ़ में निरहुआ लड़ रहे थे और धर्मेंद्र यादव भी लड़ रहे थे, हालांकि मैं धर्मेंद्र जी को पसंद करता हूँ, लेकिन जनता के सामने सवाल ये था कि मुझे एक मिल रहा है, दोनों यादव मिल रहे हैं मंदिर जाने वाले, तो जब यादव को चुनना होगा तो कौन सा यादव चुने? जब दोनों मंदिर जाने वाले हैं या तो उसके सामने विकल्प हो, एक सामाजिक न्याय वाला है, पाखंड विरोधी है और एक मंदिर वाला है, तो वो सामाजिक न्याय वाला चुन लेगा। जब दो विकल्प थे तो चुन लिया बीजेपी वाला, ये ज्यादा ठीक हो क्योंकि इनकी दुकानदारी पाखंड से दूर होती है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि काम चलिए साहब चले गए हमारे बीच से, उन्होंने एक बात कही थी मैं उसको दूसरे ढंग से कहता हूँ, एक नारा दिया गया हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जो लोग हिंदी की बात करते हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, जो लोग हिंदू की बात करते हैं वो ढूंढते हैं कि शहर में सबसे बड़ा मिशनरी यानी कि क्रिश्चियंस का स्कूल कौन सा है, उसमें सिफारिश लगवाकर एडमिशन करवाएंगे, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो
मांगोगे तो लाठियां मिलेंगी, मंदिर मांगोगे घंटा मांगोगे तो फूल बरसाएगी। सरकार का एजेंडा क्लियर और क्लियर हो भी क्यों ना, जो लोग बार बार ताकत में आ जा रहे हैं, भले ही सीटें आपने कम करवा ली, उन्होंने कब कहा था कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो भारत को एक विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दूंगा, कभी कहा क्या सदन? उन्होंने कहा था कि मंदिर का घंटा पकड़ाया तो पकड़ाया। तो मुद्दे वहां क्लियर है, आपके पास क्लियर नहीं। एक चर्चा भी आपने की थी नेशनल बिल्डर कैटेगरी, ये बहुत बड़ा समाधान है जाति बात को खत्म करने, बहुत बड़ा समाधान। मैं खुद इस मुद्दे का बहुत बड़ा हिमायती हूं, क्योंकि ये मुद्दा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल बिल्डर कैटेगरी का मतलब ये है, जो बाबा साहब और संत राम के लिए प्रजापति जाति पाति तोड़क मंडल के माध्यम से समाज को बताना चाहते हैं, ये सॉल्यूशन है अंतर जाति विवाह का, इंटर कास्ट मैरिज का। अब एक बात और क्लियर कर देता हूं अपनी तरफ से कि इंटर कास्ट मैरिज का मतलब ये नहीं है कि आईएसआईएस की शादी हो गई, आईएसआईपीएस की शादी हो गई, भैया हमारे घर में तो इंटर कास्ट मैरिज है, ये नहीं चलेगा। हम लोग समाज को जिस स्तर पर लाना चाहते हैं कि अगर किसी यादव को कुर्मी का लड़का पसंद है, कुर्मी को मौर्य का पसंद है, मौर्य को पासी का पसंद है, हम रिश्ता लेकर के जाए, वो है एक्चुअल अंतर जाति विवाह। ये बड़े बड़े पदों पर, भाई बड़े बड़े पदों पर आईएसआईएस को तुम खाक रोक लोगे क्या सती करने, वो तो कर ही लेंगे चाहे तुम्हारी सहमति हो या ना हो। तो असली इंटर कास्ट वो है, और नेशनल बिल्डर कैटेगरी का मतलब है इंटर कास्ट मैरिज से पैदा हुआ बच्चा उसको नेशनल बिल्डर कैटेगरी में रखा जाएगा, ये जनरल जो कैटेगरी है इसको खत्म किया जाएगा। ये हमारी डब्ल्यूटीपी की डिमांड है। समय कम है, मैं किसी दूसरे का समय नहीं लेना चाहता। इन शब्दों के साथ बात खत्म करता हूँ कि दो तीन लोगों ने मुझे साइड में पकड़ कर लगे कहा कि नीरज भाई एक सलाह जरूर दीजिए कि तमाम सामाजिक संगठन एक हो जाए, और इसके बाद हम बहुजन समाज के नेताओं के आ जाए और उनसे कहें कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। हालांकि ये प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन मैं एक बात से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि सारे सामाजिक संगठन एक हो जाए, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। एक छतरे के एक छतरी के नीचे आना, एक ठंडे के नीचे आना, ये प्रैक्टिकल बात नहीं। समाज में जिन लोगों की आप नकल करते हैं या जिनका उदाहरण देते हैं वहां भी हजारों संगठन। एक बात जरूर हो सकती है कि हम विभिन्न तरीके से काम करते हुए अलग अलग संगठनों में जब हमारे मुद्दों की बात हो तो हम एक, जब हमारी लड़ाई की बात आ जाए तब हम एक हो जाए। जैसे सवर्णों के कितने भी संगठन बने रहे लेकिन जब उनको किसी गांव में ओबीसी एससी को दबाना होता है तो एक हो जाए। तो आप अपने मुद्दों पर एक हो जाए, क्योंकि कोई कह रहा है कि अंतर जाति विवाह इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो अपना मुद्दा समझे भाई, कोई कह रहा है जातिवाद जनगणना एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये भी महत्वपूर्ण बात है, कोई कह रहा है कि मृत्यु भोज खत्म करना इंपॉर्टेंट है ये भी महत्वपूर्ण बात है। यानी कि समाज में तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं उनके लिए अलग अलग संगठनों की जरूरत है, बशर्ते जब एक साथ देखिए जब शोषक वर्ग है जो हमारा, जब शोषक वर्ग एक है तो जितने शोषित है वो एक क्यों नहीं, और एक होने का मतलब ठंडा मेहनत से नहीं होता, एक होने का मतलब विचारधारा से, और विचारधारा का मतलब सिर्फ इसी बात के साथ खत्म कर दूंगा, विचारधारा का मतलब ये है कि हमारा चाहे झंडा लगा हो, बैनर लगा हो या ना लगा हो, हमारा नाम बैनर में हो या ना हो, हमारी से दुश्मनी चलती है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि मेरी मान लीजिए अनिल जी से दुश्मनी, अनिल जी के घर में बेटी का बर्थडे होगा ये मुझे बुलाएंगे मैं नहीं जाऊँ, लेकिन अनिल जिस दिन जातिवाद जनगणना पर कार्यक्रम कर रहे होंगे मैं चुप सदन में हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे, छक मार के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन पहले हम तो क्लियर हो जाए। मुझे हैरत होती है कि जो लोग मंचों पर पाखंड विरोध की ज्ञान छोड़ते हैं उन्हीं के घर में तमाम पत्नियां अनुवाद किए जाकर बन गए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कोई बदल सकता है, मैंने अपनी पत्नी को बदल दिया इसका मतलब नहीं कि हर कोई बदल सकता है, लेकिन आप ईमानदारी से ट्राई भी नहीं मानते ये मेरा काम। और अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म कर दूंगा कि अभी तो परिंदे शुमार करना, फिर हम सब मिलकर बताएंगे कि किस किस पे बात करना। अभी